दो फॉर्मूलाज, ई एक्सियल, ई इक्वेटोरियल। जब न्यूमेरिकल आएगा तो आप इन फॉर्मूला से अपना काम करेंगे। जैसे क्वेश्चन है कि टू चार्जेस क्यू एंड माइनस क्यू आर हेल्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट। 1 सेंटीमीटर अपार्ट का मतलब ये मुझे क्या गिवन है, 2a। तो 2a की वैल्यू, 2a की वैल्यू 1 × 10⁻²⁪ मीटर हो गई, और चार्ज की वैल्यू 20 × 10⁻⁶ कूलम हो गई। क्या करना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कौन सी लाइन है, इक्वेटोरियल, एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर का मतलब r की जगह 0.50 मीटर। तो E इक्वेटोरियल का फॉर्मूला शॉर्ट डायपोल के लिए 1/4πε0, क्या फॉर्मूला था, P/r³। तो यहाँ पर 9 × 10⁻⁹, P की जगह बोलो क्या, Q × 2a डिवाइडेड बाय r³। आपको 2a पता है, Q पता है, r³ पता है, आंसर ठीक है। तो आइडेंटिफाई करना आ रहा है कि क्या गिवन है इसमें। अब जैसे सपोज करो टू चार्जेस ईच ऑफ 1 μC, ठीक है, गिवन है, और 1 सेंटीमीटर अपार्ट, तो क्या गिवन है, 2a गिवन है, a मत लेना, 2a लेना, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ r गिवन है, मिड पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, तो ई एक्सियल का फॉर्मूला लगा लेना। ई एक्सियल का फॉर्मूला 1/4πε0 2P/r³, और P क्या लिखेंगे, Q × 2a। तो Q पता है, 2a पता है, यहाँ से आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक?